ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਕਿਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁਮਾ ਦੇਗਾ ਤਾਨੂੰ ਕਿਆ ਆਦੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਸੁਸੀ ਸੁਣਿਓ ਬਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਿਆਦ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਜਾਨ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ خیر ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਆ ਉਜਾਨ ਵਾਲੀਆ ਸੂਰਤ ਅਲਹਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕਸਾਲਾ ਸਾਇਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਅੱਲਾਹ ਅੱਬ ਮੈਂ ਅਈਨ ਦੀ ਸ਼ਈਨ ਹਦੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਨ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹੋ ਹੋਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਮਾਨੇ ਚ ਆ ਸਮਾਜ ਮਾਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਹਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਤਰੀਬ ਇਸਤਲਾਲ ਸਮੀਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਬਤ ਆਸਿਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ अल्लाह वो चीज नहीं बोलते फेल होगा तो खैर इन शह मैंने तुझे याद करवा मैं आज ही इंशाला बयान कर रहा वा ये मौत आदात है जामियादात है शाहरामात रिबियादा एक बारी एक फ़र्क है वो एक चीज़ आएगी इनशाला मैं इन शह दस रहा हूँ अच्छा जी बसमल باب قول الله تعالى السلام المؤمن حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مغيرة حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ولكن قولوا والتحيات لله والصلوات والطيبات والسلام, والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله अकबर उस्ताद जिंदा हो तो जिस तरह वो अपने शागिर्दों के लिए वजाहत करता है ये वजाहत जो है ये किताबें पढ़ने वाले को इस तरह की वजाहतें जो हैं वो हासिल नहीं होती इसीलिए लिए अहल इलम में मशहूर है कि किताबों से इलम हासिल करने वाला जो है उसकी ग़लतियाँ बहुत होती हैं असल में जो ज़िंदा उस्ताद है इसका ये फ़ायदा होता है कि को कोई इंसान किसी चीज़ को ज़रा भी ग़लत अंदाज़ से कोई पेश करे तो उसके बारे में वो वजात करता है कि ये इसका मफहम जो है बिगड़ रहा है तुम्हारे अंदाज पेश करने में ही बिगड़ रहा है अगरचे तहरीर में भी जो गलतियाँ होती हैं वो उस पकड़ने के लिए भी ज़रा ग़ौर वफिक्र वाला मिजाज़ चाहिए अगर गौर फिक्र का मिजाज ना हो तो फिर तहरीर से भी ग़लतियाँ नहीं पकड़ी जाती लेकिन आम तौर पर जो इलमी पर्चियों के एडिटर होते हैं उनकी नज़र बारीक होती है इसलिए जो मुसनफिन होते हैं उनका मिजाज भी जो है वो बारीक होता है लेकिन तीन किस्म की चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं इलम की सूरत में एक तो ये पाई जाती है कि मालूम मालूमत जो है ये सती इलम होता है और इसके बाद फिर एक होती है वाज वाद और तबलीग के अंदर जो नसीहत और इबरत का अंदाज़ इख्तियार जाता है ज़रा उससे ये आगे होता है लेकिन ये मिजाज़ जो है ये भी फ़तवे का मिजाज नहीं होता वाद और तबलीग के अंदर इसी तरह जो है वो कुछ चीज़ें ग़लत इंसान जो है वो बयान कर जाता है जिस तरह जो है वो शायर लोग एक जब जज्बात को जो है वो ज़ुबान देते हैं तो उसके अंदर जो है वो उनकी ग़लतियाँ होती हैं कुरान मजीद ने कहा वह शरा तब हम अलंतरा हम फिकल वादी यहीमून जब ये हर पहलू जो है वो उसके अंदर मुबालगा करते हैं तो फिर इस तरह जो है वो इनके हाथ तबादल नहीं रह जाता इसी एतबार से कहा है कि शरा के पीछे लगने वाले लोग जो हैं ये गुमराह होते हैं और यही कहा है कि हर वादी में फिर रहे होते हैं और नबी अक्रम सल्ला को अल्लाह ताला ने इसीलिए जो है वो ना शायर बनाया है और ना शेर जो है वो आपकी ज़ात के लायक है व मा ना शेरा व मा एम बगीदा तो ये जो लफ्ज़ है व मा एम बगीदा ये बड़ा ज़ोरदार लफ्ज है तो मैंने आपको बताया कि एक इलम की सूरत होती है मालूम की और एक होती है इलम के अंदर वाज़ नसीहत और एक सूरत होती है इलम के अंदर फतवा ये जो फतवा है ये सबसे अहम चीज़ इसलिए होती है कि इसके अंदर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है लेकिन इसके अंदर तोज़ुन उस वक़्त होता है जबकि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़े हो और अगर सूरत हाल ही वाजे ना हो तो फिर फतवा में जो है वो गुंजलिक होगा तो ये मैं इस पर तफसली बात कर चुका हूँ कि जब इसके वो सूरत हाल जो वाकई होती है उसको उड़ा दिया गया तो फिर उसके बाद फिका के अंदर जो है वो क्या खराबियाँ पैदा हुई दूसरी बात यह है कि नबी अक्रम सल्ला व्ल् उन्हें जो है वो अल्लाह तमतियाज़िया दिया है कि उनकी बातें जो है वो बड़ी जाम होती हैं और कुरान मजीद का तो वैसे ही अल्लाह के अल्फाज हैं और अल्लाह के अल्फाज के अंदर जो जामियत और ख़ूबियाँ हैं वो तो खैर किसी कलाम में हो ही नहीं सकती तो कह, कहने का मकसद ये है कि फतवे के बारे में इसी तरह इस इसी सिलसिले में एक मसला है कि तारीखी बातें और शरी बातें इनके सूल जो हैं वो अलग अलग हैं साबित करने के लेकिन ये चीज़ें इन फिर आहिस्ता आएंगी आज मैं आपको जो है वो एक नुकता ये वाजे करना चाहता हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कि जैसे मैंने आपको बताया ना मालूम ये तो इलम की किस्में हैं लेकिन जब यही इलम जो है ये इरादे के जरिया से फिर अमली सूरत इख्तियार करता है तो इलम के अंदर पहली चीज़ ये होती है कि इंसान इकरार करता है और इकरार जो है ये भी इन्शा है लेकिन इंसान जब इकरार करता है तो ये इकरार जो है ये इन्शा है इकरार के साथ एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है वो लफ्ज शहादत है ये हमारी वही के अंदर यानी कुरान हदीस के अंदर ये लफ्ज़ बहुत आम है इसलिए हमारे यहाँ जो वाइज लोग हैं इसी तरह जो हमारी यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफ़ेसर हैं जिनके पास गहराई नहीं होती और उनका हक बातल का भी जो है वो मसला नहीं होता वहाँ तो बस एक आदमी जो है वो मालूम की की वजह से रोब डाल दे बस यही बात होती है जबकि दीनी मदारस में जो है वो एक कमी तो मौजूद है कि दीनी मदारस का जो है वो हम हाँ जो हाल जो होती है उससे कटे होते हैं तो इसलिए इनके कटने की वजह से ये ऐसे जैसे दरख की शाखों पर बैठे हैं तो शाखों पर बैठने वाले को दरख्त की गहराइयों का जो है उसकी मजबूती का जो है वो अंदाज़ा नहीं होता तो इस एतबार से दीनी मदारस में जो कमी है वो तो ये है कि ये ख़ुद शाखों पर शाखों पर हैं जो आम खुला मैदान है और माशरा है उससे इनकी वाबस्तगी नहीं होती इसलिए इनको आमतौर पर जो है ये माशरती चीज़ें जो हैं उनसे वाकफियत नहीं होती और इस एतबार से जब मौलवी लोग इसमें उतरते हैं तो आकर जो है वो फिर उसमें टामक टोईयाँ मारना शुरू कर देते हैं गलत सलत हो जाते हैं और अल्लाह ताला जो है वो को ज़िंदगी भी दे सेहत भी दे। देमा का काम ये होता है कि वो इन चीज़ों को फिर वाजे करते रहते हैं लेकिन आज मैंने आपको बताया कि दीनी जमातों में ऐसे बहुत कम हैं जिनको जो है वो ख़ास तौर पर जो जदीद माशरा है इसकी बाफियत हो तो ज़रूरत इस बात की है कि लोग इसके लिए मेहनत करें और तैयार हों किसी भी काम के लिए मेहनत की जाती है ताकि वो जो क़्यामत की निशानियाँ हैं निशानियों में से ये है कि उठ जाएंगे और उसके बाद जो लोग होंगे वो आलिम नहीं होंगे लेकिन चूँकि की सीटों पर बैठे होंगे या की औलाद होने के नाते जो है वो लोगों में ही होगा कि ये तो फिला का बेटा है तो इस एतबार से जो है वो लोगों ने आलिम समझेंगे लेकिन वो कोरे होंगे उनके पास इलम नहीं होता तो इसलिए फरमाया कि जहाबुलिल्म जो है वो इस तरह होगा कि दुनिया से जाते रहेंगे और उसके बाद फिर यह है कि उनके पीछे जो लोग बैठेंगे वो आलिम नहीं होंगे तो जैसे कि बहुत से लोग खतीब होते हैं तो खिताबत के अंदर जो है वो वाज से ज़्यादा काम दिया जाता है तो मैंने आपको बताया कि वाज जो है ये, ये फतवा नहीं होता वाज वाइज लोग जो है ये ख़ास पर इनके बारे में मुद्दसन का तरीक़ेकार ये था कि किसी का वाइज होना जो है वो उन उनके हाँ कमज़ोरी का बायस समझा जाता था इसीलिए वो इन्हें कहते थे कसास, कि ये किस्से बयान करने वाले हैं और कहते थे कि इनके यहाँ जो है वो जब नसीहत की जाती है तो नसीहत के अंदर कुछ इंसान जो है वो गहराई में जाता है वो वालगा करता है तो वो कहते थे कि इनकी जो रवायात हैं बहुत बरनी होती यही वो चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने मेरे उस्तादों को और ख़ानदानी बुज़ुर्गों को वारिद को याताया को जिनसे मैंने सीखा है वो बड़ी कोशिश करते थे कि इलम के अंदर जो है वो पुख्तगी हो और वो इलमी तोन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान का ये तुर्रा इम्तियाज़ है बाकी ये अल्लाह की देन है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे ख़ानदान में रहे हमारे ख़ानदान में जिन लोगों ने मेहनतें की उनको मिल गया और जिन्होंने नहीं नहीं मेहनतें वो बिल्कुल ही जाते रहे तो लेकिन बड़ी कोशिश किया करते थे हमारे ख़ानदान में ख़ास तौर पर जो मेरे वाल हैं वो तो वाइज बनना पसंद नहीं करते थे और मुझे कहते हैं हमेशा कि तुम अपने इलम के अंदर जो है वो पुख्तगी पैदा करो और मुझे यही बात वो सुनाया करते थे कि महदसिन जो है वो कसास लोगों से जो है वो रवायत नहीं लेते थे इसलिए कि कसास लोगों में जो किस्सा गोई होती है ना तो क़ुरान मजीद जो है इसके बारे में ये मगालता जो है कि इसके अंदर जो है बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो कसश का है किस्सों का है ये असल में इसके अंदर एक बड़ा भगाता है कुरान के अंदर किस्सा गोई नहीं है किस्सा गोई तो कहते हैं असातिरब्बलिन कुरान मजीद असातिरलब्लिन नहीं है कुरान मजीद के अंदर जो जो क़स हैं वो सारे नसीहत और इबरत है तो अगर किस्सा में नसीहत और इबरत करनी हो तो फिर क़ा के अंदर जो है वो मुबालगा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही सही किस्सा बयान करना चाहिए उसके अंदर फिर बारीकियाँ जो इंसान के सामने आती हैं तो मैं आपको जो है वो आज दो लफ्ज़ ज़रा उनकी तशरी इसलिए करना चाहता हूँ कि अकीदा में इनकी बड़ी अहमियत है तो उसके लिए मैंने आपको एक लफज़ कहा है इकरार इंसान जब किसी चीज़ का इकरार करता है तो इकरार के बाद वो चीज़ इंसान का फिर अहद बन जाता है और आपको येम है कि अकद और अहद जो है ये इंशा की किस्मों में से है तो मैं पुरान मजीद में इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ भई नबी इन नबीनलामा आते तो किताबि रसूल सम मुसदा माकुम ल तोमिनबी ही व तनसन्ना कला आकरर तुम वाखस्त तुम अला जाल मिसरी कलु अकरना तो यहाँ इकरार का ज़िक्र है उसके बाद बास्त माला जाए इसलिए इकरार जो है वो अगर मज़बूत जो है वो हो जाए तो उसको इसर के माने होते हैं कि किसी चीज़ के मज़बूत करने के मज़बूती की सूरत जो है वो ये अगर ग़लत किस्म की हो तो फिर उसको तो नबी दूर करते हैं ना भईन हम इस हम वाली क़ाल तम वो बंदिशें जो ग़लत किस्म की बंदिशें हैं वन को तो नबी दूर करते हैं लेकिन जो अच्छे हद हैं उनको मजबूत करना जो है ये नबियों का काम है तो इसको जब मजबूत किया जाता है तो उसी द को फिर कहते हैं मीसाख फिर वह जो मजबूत है जो होता है वो मीसाख कहलाता है लेकिन इसके बाद एक लफ और आज का साहब पढ़िए ना आप बजत तु मलाजाल का इसरी कालू अकर हाँ ये जो अकररना जो है ना यहाँ तक तो करार है उसके बाद फिर शहादत है तो शहादत जो है वो क्या होती है मैं वैसे आपको समझाने के लिए ज़रा जो मौजूदा अदालतों का रवैया है कि उसके अंदर लोग जाते हैं समझते हैं तो इसलिए बाद नुक़े जो है वो इस तजर्बे से भी जो है वह हासिल होते हैं अदालतों में जब तक किसी का कोई बयान या किसी का कोई इकरार जो है वो शहादत की सूरत इख्ती ना करे उस वक़्त तक वो मोतबर नहीं होता मैं इसकी मिसाल यूँ लेता हूँ कि किसी ने किसी को वसीयत की है अब एक आदमी कहता है कि ये वसीयत जो है ज़ुबानी या तहरीरी वसीयत जो है मेरे पास मौजूद है लेकिन उस वसीयत को साबित करना पड़ेगा और साबित करने की शक्ल ये होती है कि देखा जाता है कि यह कागज़ जो है वसीयत के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है जैसे कि अब आजकल तो बहुत आसान हो गया ना कि किसी का फ़ोटो ले लेना और फोटो लेकर जो है वो उसकी फिर हू नकल कर लेना जो लोग इसके माहिर हैं तो इसलिए अदालत में शहादत जो है वो ऐद को नहीं कहते शहादत इस चीज़ को बोलते हैं कि कोई चीज़ जो है वो गवाही के तौर पर हो और गवाही के अंदर भी कहते हैं कि गवाही उस वक्त पुख्ता होती है जबकि उसके ऊपर जो है वो तनकीद कर दी जो है यह साबित हुआ है कि नहीं तो गवाही कहते ही उससे हैं जिसके ऊपर जो है वो अदालत में बयान हो और जो मुखालिफ फरीक है वो इसके बारे में जो है वो इसका इस पर जरा करे इस पर तनकीद करे ये तो खैर हमारे यहाँ तो मैं बता चुका हूँ कि एडवर्सरी सिस्टम में तो खैर होती दुश्मनी है इसलिए वो गवाह सारे झूठे ही होते हैं तो सच्चे गवाह तो कभी हो ही नहीं सकते इसलिए कि उन्होंने अदालतों में जो है वो ये बताएँ कि इस इस शख्स का माशरे में मुकाम क्या है तो मुआरे में जो इसका मुकाम होता है ना उसके अतबार से जो है वो इस्लाम में शहादत होती है बताया कि जो है ये एक मुस्बत चीज़ है यानी एक चीज़ जो है वो पेश की गई और उसके बाद उसकी तोसीक़ हो गई तो ये तो जो है वो शहादत है लेकिन जो ज़रा है ये मनफी चीज़ है यानी एडवर्सरी सिस्टम जो है ही मनफी चीज़ और इसमें जो है वो दुश्मनी जो है वो काम करती है इसके पीछे दुश्मनी काम करती है और अगर इसी वजह से जब अदालतों में चले जाते हैं तो फिर दुश्मनी रह जाती है और कुछ नाज़ नहीं, नहीं है कि वहाँ मौजूद हों अल्लाह तो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं हत्या कि आपने कल मातामसा वाल्मानी हमल नहीं होता या वजह हमल नहीं होता अल्लाह को तो एक, -एक चीज़ का इलम होता है फिर उसका जो इरत है हमल का वो भी अल्लाह के में होता है आज ये लफ्ज़ बताया है हमारी जो शरीयत है ये हमारे लिए रहनुमाई है शरीयत जो है वो असल में किसी चीज़ की सिर्फ वाकफियत का नाम नहीं है शरीयत से मकसूद यह है कि वाकफियत के साथ साथ जो है वो बकादा रहनुमाई हो इसीलिए नबी की ज़िम्मेदारी है कि वो बलाग मुबीन जो है ज़िम्मेदारी को पूरी कर पूरा करें और वमा अरे का इलल इस हिदायत के गोया कि हिदायत की सूरत यह है कि ये हिदायत तो होती है एक अमर की शक्ल तो अमर की शक्ल में ये शरीय जब हिदायत बन गई तो उसके बाद जो है वो इस हिदायत पर अमल पैरा होना जो है ये लाजमी है जबकि मैंने आपको बताया कि जो लोग शरीयत के हामिल नहीं होते उनके नज़दीक जो है वो सिर्फ़ मालूम की अहमियत तो शहादत जो है मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि जो हमारे यहां फैसले होते हैं निजात में शहादत जो है वो आ, उन फैसलों का हिस्सा होती है और उनकी बुनियाद होती है तो इस ये फैसले में शहादत का जिक्र करना जो है वो ज़रूरी होता है तो जिस फैसले में शहादत का जिक्र ना हो और उस शहादत के बारे में तबसरा ना हो वो जो है वो आ, मौत पर नहीं होता काम अब मैं इसकी ज़रा मजीद वजाहत के लिए जो है वो चूँकि किताब अकीदा है इसलिए इसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ कुरान मजीद की एक आयत है वहीख़द रब का मम बनी आदमा मिन जहूर हिम जुर हम व अशहत हम अला फुसम अरसो बे रब कलुबला शहीदना योमल शहीद ना अन तकुल यौमल के इन्ना कुरान हाजा गाफिल अगरत ये इबारत जो है ये यहाँ भी है और जगह पर थोड़े से अल्फाज का फ़र्क़ जो है उसके साथ भी है लेकिन मैं आपको इस इबारत के अंदर जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बारे में मैंने आपको कल बताया था परसों कि जो फितरत होती है ये हकीकत में इंसान की सलाहियतों का एक तोज़न होता है तो इस अतबार से फितरत को जो है वो अल्लाह ताला तखातब करते हैं तो इस फितरत का एक एक जायज़ा जो है ये अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर पेश किया है और वो इस तरह पेश किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की औलाद में से जो है वो निकाल और निकाल कर जो है वो फिर इन्हें कहा अलसत बे रब कम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो ये जो अब सवाल था ना ये असल में इसलिए था ताकि ये हमारा इकरार और अहद बन जाए तो अलसत बे रब कुम बला तो जब यह अल्लाह ने कहा कि क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ तो उन्होंने कहा क्यों नहीं अब ये तुम्हारे करार भी हो गया अहद भी हो गया और इस पर जो है वो मेरी गवाही भी हो गई अब अल्लाह ताला ने इस गवाही को जो है वो साबित करना है और अल्लाह ताला ने इसके सबूत के लिए जो तरीक़ार इख्तियार किया है वो ये इख्तियार किया है कि क्यामत के दिन जो है वो लोग जब अपनी शिकायतें करेंगे तो जाहिर है कि अपने मुखालफिन जिनों उन पर जो है म ज़्यादी की होगी उनके ख़िलाफ़ फिर वो गवाहियां देंगे और गवाहियां भी देंगे और इसीलिए नबी अकरम से फरमाया कि तुम तो समझते हो शख्स को मिस्कीन जिसके पास दर्न देनार ना हो असल मिस्कीन वो आदमी है कि जिसके ऊपर जो है वो लोग अपने हुकूक का मुतालबा जो है वो लेकर आएँ और अल्लाह ताला जो है वो तमाम हकूक़ जो उसकी तरफ़ बनते हैं उसकी अदायगी करवाएँ और फिर उसके बाद सूरत आ रही है कि लोगों के जो हकूक़ हैं वो बाकी रह जाएँ तो फिर अल्लाह ताला ये करें कि इसकी जो नेकियां हैं वो भी दूसरों को दे दें ये आदमी मस्किन है बुनियादी तौर पर तो मैंने आपको इस हदीस से ये बताया और इस तरह से गवाहियाँ भी होंगी लेकिन एक बड़ी गवाही जो है वो ये होगी कि अल्लाह तला जो है वो नबियों से ये पूछेंगे कि क्या तुमने हदायत का काम कर दिया था मैंने अभी आपको बताया ना कि नबियों का जो काम होता है वो हिदायत होता है सिर्फ़ इलम देना नबियों के काम नहीं है बल्कि उसके बाद जो है वो रहनुमाई करना उन्हें समझाना और हिदायत का भी ऐसा तरीका इख्तियार करना जिसके साथ दूसरे को पूरी हुज्जत हो जाए कुरान मजीद में, में इसीलिए कहा ना कि मुशरिक को जो है वो कतर नहीं किया जाता असल बात यह है कि मशरक़ को जो है वो मौका दिया जाता है कि वो बिल्कुल आज़ादी से जो है वो किसी काम की तहकीक करे जब हजरत पूरी हो जाती है फिर उसके बाद कोई सवाल पैदा होता है किसी भी इतराफ़ का या झगड़े का तो कुरान मजीद में है भाई नहा तुम अलमश्रकी न सजारा का फाजिर हो हत्या यस्मा कलाम अल्ला अबिल हो मामा तो कहा है कि अगर कोई मुशर तुमसे पना मांगे यानी वो कहे कि मुझे तो बात समझ नहीं है समझना चाहे तो फिर तुम्हारा काम है कि तुम उसको समझाओ भी और समझाते हुए जो है वो ऐसी सूरत इख्तियार करो कि जरा बराबर उसमें दबाव ना हो जबर ना फाजिर हो फाजर हो तायसम कलामल्ला अबिल अब और उसको जो है वो अमन वाली जगह जो है वो वहाँ जाकर उसको जो है वो ए, उसको भी पहुँचाओ और उसको तब्दीग में जब करते हो तो उसको अमन में ला कर जो है उसको तब्दीग करो ये नहीं कि जबर की हालत में जो तब्दीग होती है ये मुत पर नहीं होती इसीलिए हजतुमर रजी अल्लाह का एक खादिम था और बड़ा ही मुत उनका जो है वो सेक्टी समझिए उसका नाम असलम था लेकिन वो मुसलमान नहीं था तो हजतुमर रजी अल्लाह त जो है वो उसको कहते कि ए असलम तुम मुसलमान हो जाए मैं तुझे कुछ जिम्मेदारियाँ देना चाहता हूँ लेकिन आपने उसको मजबूर नहीं किया हो गया ठीक चलो अलहदुल्ल मैंने इसको तो खैर मुखसर बयान किया है और जो चीज़ अकीदे से जो चीज है मैं उसको ज़रा वाजे करना चाहता हूँ कि इकरार के साथ जो है जब गवाह मौजूद हों तो फिर जो है वो मैंने आपको बताया कि शहादत बनती है और फिर हजत जो है वो शहादत के जरिए से जो है वो कायम होती है अब सूरत हाल ये है कि हमने अल्लाह के साथ जो है ये अहद किया था ये इकरार किया था ये जो नुकता में इसको पहले सही तो सूर था वही है जो मैंने आपको बयान कर दी है लेकिन जो जाम है जाम और ये जो है ये इस चीज़ को नहीं मानते वो कहते हैं असल में ये ये जो चीज़ है ना ये हकीकत में ये चीज़ ऐसे नहीं हुई यानी कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ अल्लाह ने बकायदा जो है वो आदम की औलाद की पेटों आ, पीठों से जो है वो उनकी औलाद निकाली हो और औलाद निकाल कर जो है उनसे अहद दिया हो कोई ऐसा ऐसा वाक़ नहीं हुआ है। ये, तो है ये तो शत शरीत के मुनकर हैं ये तो शरीत के दुश्मन हैं आज कल लेकिन हमारी सुरथान ये बनी होगी ये हमारे ऊपर छाए हुए हैं यानी आज किसी मौलवी को, को कोई अहमियत नहीं है एक मामूली सा वकील चलाया जाता है कानून के नाम पर वो जाकर जो है मुसीबत ला देता है और यही वजह है कि जो सबसे गंदे लोग हैं वो इनके चेहते हैं आसमान जहांगीर एक ऐसी औरत थी जो हर वक़्त जो है वो इस काम के लिए तैयार रहती थी कि नंगी होकर मैं लोगों मर्दों के सामने पेश हो जाऊँ लेकिन ये है कि आज हमारे बड़े बड़े जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक वो उनकी तारीफें करते हैं इसलिए कि सेकुलर सेकुलरिज्म था और उसने कितना बेकार पैदा किया था कि औरतों को मर्दों से लड़ाया और ख़ुद उसने जो है वो कादियानी से शादी की हुई थी लेकिन वो तो कहती थी कादियानी मुसलमान है और फख्र कहती थी इस बात पर उसके खामद का नाम था जहांगीर तो इसलिए उसका नाम आसमान जेलानी उसके बाप का नाम था और आसमा जहांगीर के नाम से मरूफ है उसके खामद कादियानी था और वो कहती थी कि कादियानी से शादी हो सकती है इसलिए कि वो तो शरीर को मानती नहीं थी उसकी जी तो भी हो सकती तो है तो कहने का मकसद मेरा यह है कि आज की जो सूरत हाल है ना इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने उस वक्त जो है वो मदीना यूनिवर्सिटी में ये इरादा किया था कि यूनिवर्सिटी जब मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं ये करूंगा कि जो दौरे हादर के जामी और मोतदरी है ना इनकी मैं इनकी तरदीब करूंगा इसलिए कि आज अगर आप जदीद तालीम याफ्ता तबके के सामने कहें जामी ये कहते हैं कहते हैं हम तो जानते जहाँदे जामी कौन होते हैं मोत तो दी कौन होते हैं बल्कि वो तो इतने जाहिर हैं कि मैंने शरी अदालत के अंदर जो है जब ये बात की तो शरी अदालत का जो चीफ जस्टिस था वफा शरी अदालत का जब मैंने कहा ना ये हदीस जयीफ है किसी मामले में मसला सामने आ गया तो मैंने कहा कि अबू दाऊद के इमाम इमामाम से नखल करते हैं कि ये हदीस जो है वो इस तरह नहीं है वो इस तरह है तो मैंने उनको ये बताया कि ये हदीस जो है ये हमारी अदीस की इस तरह में इसको मुनकर कहते हैं कि रावी जो है वो सिक्का की मुखालफत करे जब मैंने ये बात कही तो अब समझ तो आई कोई नहीं है उनको क्या समझ आएगी कुरानदीस की और वैसे वो शरीय दालत के चीफ जस्टिस हैं है। तो कर कहते हैं इसीलिए हम अदीसों को आमीत देते इसके अंदर इस तरह के बेगाड़ है यानी एक जो है वो खुद मुहदसिन जो है वह तरदीद कर रहे हैं आमद बिन हम्बल और अबू दाबूद जो हैं वो तरदीद कर रहे हैं कि यह हदीस जूँ सही नहीं है लेकिन उसने ये नहीं समझा कि सही और ज़यीफ़ का फ़र्क करे उसने कहा जी हम मानते ही नहीं सारे कुछ ख़त्म इसी तरह इख्लाफ पैदा कर देते हैं फिर उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बिगाड़ है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बायदा जो है इन लोगों की तरदीद करें जो इस वक्त जदीद मुरहिदीन है तो, तो इसी हम हमारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ईगानदी क्या कहता है और साफ बात है कि हमारे शेख उदीस हैं जाम अहमदादिया के फैसलाबाद के हैं जी हाँ जी वो गांधी बने हुए हैं इसी तरह जो है वो आ, अपना आ, ये ज्यादा राशदी के जो बेटे हैं वो, वो तो खैर गा, अलाम गांधी के नाइब हैं लेकिन उनके उनका बाप जो है वो हर वक्त उनकी हिमायत में होता है तो मतलब कहने का ये है कि ये वामा जो है ये असल में सपोर्ट करते हैं हाँ जी और इस तरह से जो है वो हमायत करते हैं फिर उसके बाद बिगाड़ जो है वह आगे बढ़ता है तो कहने का मेरा मकसूद ये है कि ये ठीक है कि हम इस वक्त बुखारी पढ़कर जो है वो जामिया का रद कर रहे हैं लेकिन इस पर जो है वो हमें मुतम नहीं होना चाहिए जब तक हम जो जदीद तरम याफ़्त लोग या जदीद माशरे है उसके अंदर जाकर जो है वो उनके तरीक़ों से जो है वो उनकी तरदीद ना करें ये मौलाना मदूदी और इस तरह के कलाम आज़ाद और इस तरह के जो लोग हैं उनकी यही ख़ूबी है कि उन्होंने जदीद माशरे को जदीद अंदाज से जो है वो समझाने की कोशिश की है तो आज ज़रूरत भी इस बात की है वो मेरे ख्याल में आज के दौर के ललामा नहीं हैं जो सिर्फ़ जामिया का राज जानते हैं मतलब का रथ जानते हैं और ये नहीं पता कि जदीद दौर में जो है क्या हो रहा है तो इसलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रही और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो वो यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम बनाया था वो इसलिए बनाया था कि उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पचास साल जो है वो लगा दिए हैं कुर्बानियाँ भी दी हैं अपनी हर चीज़ इसके लिए जो है वो मैंने जो है वो कुर्बान की है सिर्फ इसलिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए लेकिन अब अल्लाह की कुदरत जो है वो मेरे अगर शागिदों को या मेरी औलाद को समझ में आए तो मैं क्या कर सकता हूँ तो असल बात यह है कि यही वो चीज़ है जिसका ख़तरा है कि अल्लाह ताली जो है वो अगर अहल इलम को ले जाए तो फिर बाद में जो शागिर्द और हैं वो फिर उनकी जगह पर बैठ जो है वो लोगों को गुमराह करेंगी भी और ख़ुद भी गुमराह होंगी तो इसलिए बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि ताकि अली तलीम हमारे यहाँ तो दिखिए तलीम जो है वो ग्रेजुएशन तक है और ग्रेजुएशन तक तो सिर्फ इतना ही होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ों की पहचान होती है जो तकबली मुताल है वो तो ग्रेजुएशन में नहीं होता वो तो फिर बाद में होता है ग्रेजुएशन का मतलब यह है कि आपके अंदर इतनी अहियत पैदा हो जाए कि उसके बाद आप तकबुल कर सकें यानी ग्रेजुएशन से पहले तो कोई तहीक का काम कर ही नहीं सकता ग्रेजुएशन के बाद फिर एम फिल होगा या पी एच डी होगा तखीक उसमें होती है लेकिन आज हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह यूनिवर्सिटियों में बिगाड़ पैदा हुआ है इसलिए जो लोग यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और ख़ासतौर तो पर जब यूरोप अमरीका में चले जाते हैं तो वो तो छोड़ते ही नहीं बड़े से बड़े आदमी को गुमराह करने के उनके तरीके यही हैं तो बाकी अल्लाह ताला जो है वो बचा के रखे दुश्मनों से तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये काम हम नहीं करते तो हजरत पूरी नहीं होती आज हजर पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि हम जदीद माशरे और उनके मसाइल से वाकिफ़ हों और उनकी हम तरदीद करें तो इसी लिए मैं मौका पर मौका जो है वो सही बुखारी के अंदर ऐसी चीज़ें दे आता हूँ इसका मेरा असर मकसूद यह है कि सही बुखारी का जो फ़ायदा है वो जदीद माशरे में जो है वो क्या हो सकता है तो मैंने आ, आपको वैसे तो चूँक बुखारी का जो दौर था उसमें तो जाम और मतदरा थे बल्कि मैं तो कहता हूँ शारा मातरीदिया का रद जो है वो हो जाए बिल वास्ता हो जाए लेकिन इमाम बुखारी के सामने तो वो लोग नहीं थे तो सूरत हाल जो है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा फ़र्क बताता हूँ कि इराहियात के अंदर जो है वो इनका फ़र्क क्या है आपस में जामी जो हैं अल्लाह के जो असाफ़ हैं उन अवाफ़ को जो है वो मानते ही नहीं और अवाफ़ की जो है वो तीन शक्लें हैं एक वफ़ जो है वो ये होता है कि अल्लाह का एक नाम जो है वो इस्तेमाल होता है जैसे कि रहमान है या रहीम है तो जामी जो है वो इन नामों को नहीं मानते कि ये अल्लाह के जो है वो वस्फी नाम है वो इन नामों को नहीं मानते अच्छा मो जो है इनके शागिर्द हैं उनके हाथ जो है वो वो नामों को मान लेते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो है वो असाफ को नहीं मानते क्या मतलब है कि अल्लाह के जो अवसाफ़ हैं जमी तो उन नामों को ही नहीं मानते और जो मोतजरा है वो मिसाल के तौर पर समी बसीर जााम तो समी बसीर का इनकाल करेंगे अल्लाह के बारे में लेकिन जो मोतजरा हैं वो कहेंगे कि हम समी बसीर को मानते हैं लेकिन समा बसर को नहीं मानते समा बसर जो है ये एक वस्फ है ना तो जो इसम होता है इसम वसफ़ वो एक इसम होता है जिसके अंदर वो वसफ़ पाया जाता है तो इसलिए यह इनका फ़र्क है और उसके बाद अशारा मातरदिया जो है ये ये कहते हैं हम औसाफ़ को भी मानते हैं लेकिन औसाफ़ की जो है वो तावील करते हैं औसाफ़ को हकीकी मानने की बजाय उसका समरा जो है वो उस उसको जो है वो निकाल कर मानते हैं अल्लाह ताला ने जो है वो सुन लिया का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अब जो है वो इसकी जजात सजा जो है वो अल्लाह देंगे तो इसलिए जहाँ कहीं कोई ऐसा फसल आएगा ना तो वो कहेंगे इस सराज जो है वो असल वस्त नहीं है बल्कि इस सराज जो है वह जजा और सजा है तो ये इशारा बात हुई दिया है अगर तो इमाम बुखारी के बाद में आए हैं लेकिन मैंने आपको मुख्सर सा इनका तारु करा दिया है बाकी इनकी तफसीली जो कैफीते हैं वो इन शाह इमाम बुखारी ख़ुद बयान करेंगे मैं उस वक्त आपको फिर साथ साथ बताऊँगा कि असल में इनका जौहरी फ़र्क क्या है जैसे मैंने आल हदीस का और आहल राय का जोहरी फ़र्क आपको बताया था अल्लाह तारा मुझे तोफीक दे कि मैं आपको ये चीज़ जो है वो खुलकर बता सकूं। अब चलिए तो आज हम जो है वो इसको आगे पढ़ते हैं इमाम बुखारी जो चीज़ लाए हैं कि अल्लाह ताला का ये कौल अट्ठाईसवें पारे के अंदर सूरत हशर के अंदर है कि मोमिन। वैसे तो इमाम बुखारी सिर्फ दो लफ्ज़ लाए हैं लेकिन वैसे इमाम बुखारी का इशारा उन तमाम औसाफ की तरफ है जो इस के अंदर पेश है हाँ जी कैसे शुरू होता है जी काल साहब जी आयत मुहनज़ुलजब्बारमतकबर सुबहानल्लासिफून अम्मा यूस कौन होल्ल खालबारसबलसम उलस् मब्बल्समजीज़ुल्क़ीम जी इसके अंदर जो है वो अल्लाह के औाफ़ का जिक्र है लेकिन कुर मजीद ने अलग, अलग अलग इनको क्यों जिक्र किया मैं इन जब इनका मजीद फ़र्क बताऊँगा उस वक्त मैं आपको बताऊँगा कि लेकिन इमाम बुखारी का इशारा जो है पूरी आयत की तरफ ही है अब आप पढ़िए अहमद हद्दस, उब्नयनसा जी हदसना जहैर में इबारत पढ़ चुका हूँ तो इसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ये बयान करते हैं कि हम नबी अकरम के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे और हम नमाज़ में यह कहते के अल्लाह पर सलाम हो तो फ़कार नबी अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने जो है वो हमें समझाया कि ये तुम गलत कहते, कहते, कहते हो इन ला सलाम ये सलाम तो अल्लाह का नाम है तो जो किसी का नाम है वो जो है वो वसफ़ इस तरह बनता कि उसको तुम जो है वो वसफ बनाकर जो है वो कहो कि अल्लाह पर सलामती हो तो तुम दुआ करते हो अल्लाह पर सलामती की हालांकि ये सलाम तो अल्लाह का नाम है इसीलिए ये सलामती जो है वो अल्लाह ने भेजनी है यानी अल्लाह का वफ़ ये सलामती ज़रूर है और अल्लाह ताला बंदों पर जो है वो सलामती भेजते भी हैं इस तरह बंदों को अमन भी देते हैं मोमिन का माना अमन देने वाला तो कहने का मकसद ये है कि इमाम बुखारी ने जो है वो कुरान मजीद से ये साबित किया है कि सलाम जो है वो अल्लाह के ऊपर जो है वो आप अगर अहद भी करते हैं या आप अल्लाह से अहद करें फिर तो ठीक है लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए दुआ करते हैं तो फिर गलत है का मतलब यह है अगर आप अल्लाह के सामने करार करते हैं जैसे अल्लाह मन सलाम व अमिन का सलाम व तबारकता करार है ना ये तो जायजा

असल बात यह है कि की वो आप उनको दरुस्गी ये की कि, कि अल्लाह जो है सलाम तो अल्लाह का नाम है अब तुम जो है दुआ करोगे क्या करोगे वो ये करोगे व अय्योनबी व बरकातहू इन तुम दुआ करते वक्त जो है ये कहोगे कि नबी पर जो है वो सलामती हो और उस नबी पर अल्लाह की रहमतें हों और बरकतें हों और हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी ये सब में तमाम के तमाम जो है वो जो दीन के हामिद लोग हैं अल्लाह के साथ मुखलिस लोग उनको उन उन पर जो है वो सलामती की उन उनके लिए दुआ उन, है तो यहाँ भी एक मुश्किल है जो थोड़ी सी असल बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि हम जब ये दुआ करते हैं तो इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हम मुखातब क्यों करते हैं हमें मुखातब नहीं करना चाहिए इसलिए कि नबी अकरम ये जो हमारे ग्रामर के कवायद हैं उनमें ये है कि ये, ये जो निदा है ये महसूस मुबसर के लिए होती है जो महसूस होता हो और नज़र आ रहा हो <kmhal भी वाध्या> मुबसर तो उसके लिए होती है तो उसके अलावा तो, तो निदा होती नहीं हाफिज मोहम्मद गुंदरी साहब राम ने इसका जवाब ये दिया है अगर जो उन्होंने इस नदा का मसला तो नहीं जवाब दिया उन्होंने एक और यहाँ नुकता बताया है वो कहते हैं कि चूँकि नबूआत दायमी चीज़ है और जो चीज़ जो दायमी एक नबी का मनसब मौजूद है और ये पता है कि अल्लाह के रसूल के आने से पहले जो है वो आपको नबी बना दिया गया था सलाम की जो है वो तख्लीक भी मुकम्मल नहीं हुई थी जबकि जो है वो इनको बना दिया गया था नबी नबी कुंत कंत नबीन वादम बैन तो वो इसी लिए ताकि इनके साथ जो है वो बस्तगी हो सके तो मैंने आपको ये बताना है कि हाफुद अमद गोंदमी साहब रमे कहते हैं कि इसके अंदर नबी अक्रम सम की नबूत के दायमी होने का सबूत मिलता है और ये बात जो है वो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि जब तक नबूत जो है वो तस्लीम ना हो खिलाफत नहीं बनती और नबूत जो है उसकी बुनियाद वही है तो किताब और सुन्नत अगर किसी का दस्तूर ना हो तो वह कभी खलीफा नहीं हो सकता अपने अपने नाम के साथ वह सौ दफ़ा खलीफा गलफ लगाए वो खलीफा होता नहीं खलीफा जो होता है वो नबी की नबूत के ताबे जो हुक्मरानी होती है ना उस का नायब होता है तो अब ये मसला कानूनी है मैंने आपको बता दिया लेकिन जो इतराज़ है ना सलाम का ये इतराज़ जो है ये एक और जगह पर जो है वो बड़ा अहम है वो ये है कि जब इंसान फौत होता है तो उस वक़्त आते हैं मुनकर नकीर और वह आकर पूछते हैं कि ते, तेरा रब कौन है तेरा नबी कौन है तेरा दीन क्या है तो उस वक़्त नबी अक्रम सला वल् जो है वो हमारी मालूम के मुताबिक तो आप वहाँ नहीं होते लेकिन वो जो लेकिन उ, उनके सामने नबी अकरम अक्रमसम जो है वो पेश होते हैं यानी वैसे वो जो मैत होती है उसके सामने आप आते हैं और वो कहते हैं कि माँ तुल्फ़े हाजर रजुल इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो तो वो जो है वो उसको तो मुसलमान होता है तो वो पहचान कर कहता है कि हाँ ये तो असल अच्छा में वो मैय के लिए मासूस मुबसर हो जाते हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैत के लिए तो जो जबते हैं और हैं वो बरसी ज़िंदगी है वहाँ तो नबी अक्रम सम जो हैं अब अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं इसलिए कि फासला और वक्त अल्लाह तो इसके पाबंद नहीं है फासला और वक्त दोनों अल्लाह की मखलूक हैं इस अतबार से अल्लाह के रसूल कहाँ हैं उसके सामने तो अल्लाह ताला उनको पेश कर सकते हैं तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके लिए तो जो है खिताब की गुंजाइश है यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि यहाँ खिताब क्यों है तो कहते हैं कि अगर कोई इतना जो है वो जहन में हाजिर हो कि वो ऐसे हो जैसे कि वो आपके सामने हो तो उस सूरत में भी जो है वो यहाँ कलमा जो है वो निदा इस्तेमाल होती हैं लेकिन आम तौर तो पर ये जो चीज़ होती है ये एक हमारी ग्रामर में बात आती है नतबा की नतबा इसको नतबा कहते हैं और जैसे कि हज़रत फ़ातमा ने जो है वो अपने बाप की जब बेचैनी देखी तो कहा वाक वाक़ुरबा बता हाय मेरे बाप की बेचैनी ये जो है ये असल में है तो खिताब लेकिन नतबा की शक्ल है ये असल में एक इजहार है तो इसलिए अहल इलम जो है वो इसकी तोजी ये भी पेश करते हैं कि ये है तो निदा लेकिन इसके अंदर जो है वो जज्बा पाया जाता है वो कैफियत पाई जाती है कि इंसान जो है वो अपने आप को अल्लाह के सपुर करता है तो इस एतबार से नबी अलैहि वसल्लम जो है वो इस तरह से वास्ता बनते हैं कि अल्लाह की ऱा जो है उसका ज़रिया तो नबी नबी की तात है मैं यू तेरस तौर तो वाहिद दरिया जो है वो नबी की तात है तो इस बिना पर जो है वो नबी अक्रम सम को जो है वो ख़िताब कर दिया गया है तो ये बात तो उसका जवाब है अगर अगरचे एक और हदीस है लेकिन इस वक्त वो मेरे सामने नहीं है मैं तो उसको देख कर फिर को गुफू करूँगा इस वक्त जो बात आपको मैंने बताई है कि यहाँ दो रुखते हैं एक तो आफत मद गंदरी साहब के हवाले से मैंने आपको बताया और दूसरा ये है कि ये महसूस मुबसर के हुक्म में है उसी नुदबा की मिसाल से मैंने आपको बताया अच्छा उसके बाद फिर लफज आ गए इलाहा अल्लाह तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इकरार के ऊपर जब इंसान जो है वो गवाही देता है तो फिर उसको बोलते हैं शहादा तो ये सिर्फ इकरार नहीं है ला इला, है ला। ला इला है ला तो इकरार है लेकिन जब हम कहेंगे ना अल्ला इलाहा इला तो साथ उसकी ये गवाही भी हो जाएगी तो ये उसका फिर मिसाक बन जाता है कि इसके ऊपर जो है जब शह शा, गवाही भी हो गई तो अब इसकी तोसीक़ भी हो गई शहादत के ज़रिए से तो इसलिए अशदुल्ला भाई शादोल्हाँ मोहम्मद रसूल बाकी ये चीज़ जो है मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इसके अंदर असर मकसूद जो है वो अल्लाह की तोहद की शहादत दे रहा है तो ये तोहद की शहादत है तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि ये असल में उंगली हिलाई जाती है दुआ के लिए ये गलत है ये असल में तोहेद का इशारा है तो इसलिए तोहिद के लिए जो है वो शरीर में मिसालें भी मौजूद हैं और इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि दुआ के लिए जो है उंगली रही है तो ये चीज़ जो है वशादाला आपके सामने आ गई है चलिए तो जी आज इतना ही रहने देते हैं कोई तो आपने सवाल करना है तो कर लें नबी सलम में राज पर गया तो नबी सलम ने अल्लाह के सामने जाके ये ये पढ़ा तहियातुल्लाह वसलावात व तैयबात तो जी जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व जी तो ये